Here is a question. What is the frequency of revolution of electron present in second Bohr's orbit of hydrogen atom? Okay. आपको यहां पर यह बताना है कि जो हाइड्रोजन एटम की सेकेंड बोहर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है. ओके okay, वो कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में उसने कितना राउंड वहां पर कितना चक्कर लगाया है. ठीक है, तो 1/T के डायरेक्टली इक्वल होगा. ठीक है, टी क्या हो गया यहां पर आपका टाइम पीरियड हो गया. ये क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हो गया. और हमें पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो होता है 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इसे यहां पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2πr. ओके, वेलोसिटी कौन सी चाहिए. देखो सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात की तो वेलोसिटी भी कौन सी चाहिए जो सेकेंड बोहर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की होगी. रेडियस, रेडियस भी कौन सी होगी सेकेंड बोहर ऑर्बिट की होगी. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2.188 इंटू 10^6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड अपॉन 2πr. 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कौन सी चाहिए सेकेंड बोहर ऑर्बिट की चाहिए. तो ये हो जाएगा रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम. क्लियर है. तो देखो फर्स्ट वेलोसिटी में बात करते हैं. यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन के लिए 1 होगी अपॉन एन. एन की वैल्यू कितनी होगी सेकेंड बोर ऑर्बिट की, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2. तो 2.188 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1.094 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड अपॉन यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू एन. एन कितना है 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 जेड के लिए कितनी होगी 1 इंटू एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम होता है 10^-10 मीटर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. नाउ इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहां पर आपका 1.094 इंटू 10^6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 2.116. हाँ, ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है 10^-10 मीटर. ओके, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट. 10^-10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10^+16 हो जाएगा 1.094 इंटू 10^16 सेकंड. इनवर्स यूनिट चल रही है आपकी और अपॉन में है 2 इंटू 3.14 इंटू 2.116. ओके, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए. यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.0823 इंटू 10^16 सेकेंड इनवर्स. और हमें देखो 10^14 में है आंसर आपके पास, चेंज कर लीजिए 8.2 इंटू 10^14 सेकेंड इनवर्स. तो हियर इज द योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन.